ओके डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 15, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हियर वी डिस्कसिंग अबाउट द पेज नंबर 122 ऑफ टेक्स्ट बुक गुजरात बोर्ड, दैट इज आई राइट हियर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दोज एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो भी काम काज हम लोग करते हैं जिसके अंदर पैसे का लेन देन होता है या पैसे का रिलेटेड जो भी होता है, पैसे के जो संबंधित जो भी काम काज होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। वैसे अगर हम बात किया जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल ए सैलरी गिवन टू ए टीचर, और एग्रीकल्चर में जो भी फसल उगाते हैं फार्मर्स जाके जो खेतों में उगा हुआ सामान को मार्केट में बेचते हैं उनको पैसा मिलता है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम लोग ले सकते हैं। आर्टिस्ट से उनका जो काम काज जो पैसा उनको मिलता है डिफरेंट टाइप वेरायटी अलग अलग तरीके से उनको, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग बात कर सकते हैं। डॉक्टर सब जो फीस लेके अगर सर्विस करते हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो अपन को इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। वैसे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दोज एक्टिविटीज विच इज़ नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या फ्रेंड को बुक दे दिया फ्री ऑफ में, फ्री कॉस्ट में, और 2-3 दिन के बाद उसने रिटर्न दे दिया, या किसी को दान कर दिया, या किसी को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है सेवा सदन में काम कर रहा है और वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनको जाँच कर रहा है, उनको चेक कर रहा है, उनको दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। और नाइट स्कूल्स में होता है जहाँ पे कुछ टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को पढ़ाई करते हैं, ये सब उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर उनको देखने के लिए मिलेगा। तो और भी हम लोग देख सकते हैं, मदर का जो सर्विस है विच इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल बट वी कैनॉट पे एनीथिंग, मदर की जो सेवाएँ है वो भी अपन को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा। ऐसा ही सोशल सर्विसेज है, कई तरह के एक्टिविटीज है अपन देख सकते हैं कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो हम इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हर एक देश की आर्थिक व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ बनावट के साथ बना हुआ रहता है। तो हमारे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है 3 तरह से सेक्टर से जुड़ा हुआ है। वो एक पहला सेक्टर है जिसको हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को हम टेरिटरी सेक्टर भी बोल सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा लोग एक क्षेत्र के अंदर उनको डिपेंडेबल रहता है, और एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, मनुष्य की थोड़ा बहुत एफर्ट करके प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं वो हम इसके अंदर पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गया, हम जमीन के ऊपर एक सरफेस एरिया में अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं, और दूसरा हो गया जैसा लैंड माइनिंग्स हो गया, इससे इसके अंदर भी थोड़ा बहुत हम जमीन के द्वारा हम अपना मिनरल्स वो सब हम लोग अपडेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर अपन को देखने के लिए मिलेगा। और डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर के ऊपर लोग डिपेंड होते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे अपन को इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर गैस, वाटर सप्लाई, इस तरह का कई तरह का चीज़ें जो सेक्शंस है, इस तरह का कई तरह का जो सेक्टर्स है उसके अंदर अपन को सेकेंडरी सेक्टर आता है। दिस सेक्शन जो है अपन को कई तरह का अपना और जो एज इंडस्ट्री जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एक इंडस्ट्री के हिसाब से माना जाता है, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा से छोटा पिन से लेके बड़ा बड़ा मशीन तक, जिगेंटिक मशीन हम लोग बोल सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मशीन से, एरोप्लेन से, रॉकेट से, इस तरह का बड़ा बड़ा चीज़ें हम लोग ये सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बना सकते हैं। थर्ड सेक्टर हमने बात किया टेरिटरी सेक्टर है, जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज लाइक ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया,
टूरिज्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ऐसा कई जगह जो छोटे मोटे चीज़ें होता है जो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, जहाँ पे अपन को लोगों को पैसा लेके सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, सेवाएं किया जाता है, उससे का सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। डेवलपिंग कंट्री में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करते हैं। तो अगर डेवलपिंग कंट्री फास्ट डेवलप कैसे हो रही है, कब हो रही है, हम बात करते तो अगर डेवलपिंग कंट्री प्राइमरी सेक्टर में जो भागीदारी हो रही है वो कम होते हुए दिखाई देना चाहिए, और वही सेकेंडरी एंड टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर में उनका भागीदारी धीरे धीरे बढ़ता जाना चाहिए, और बढ़ता जाएगा तो हम उसको वेरी फास्ट डेवलपिंग कंट्री हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जैसा एग्रीकल्चर कंट्री है, 1950 के अगर आसपास देखें तो 80% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम उधर से आता था। अभी नियरली 54 मतलब नियरली 60% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर डिपेंडेड है, इट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, लेकिन 26% इनकम ओनली उधर से आ रही है। वेरस सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर में 48% के आसपास लोग काम करते हैं, लेकिन उधर से इनकम सबसे ज़्यादा अपने देश के अंदर आ रही है, मतलब हमारे देश एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं। तो ये कोई भी क्षेत्र अगर हम देखे जाएगा तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर जो भी होता है, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, मतलब कुछ ना कुछ वस्तु को तैयार किया जाता है या सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। तो हर एक वस्तु हर एक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कंपलसरी चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर हम लोग बात करते हैं, चार चीज़ हमने बात किया, एक है लैंड है, कैपिटल है, लेबर है और एंटरप्रेन्योर है। तो लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर और लेबर के बिना कोई भी छोटे से छोटा काम भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। उसमें से लैंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम लैंड की बात करते तो मनुष्य की जन्म से लेके मरने तक हर काम जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो है हर एक्टिविटी जो है लैंड के ऊपर ही लैंड बेस्ड एक्टिविटीज होता है। और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल अगर हम बात करते तो लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स हम लोग बात कर सकते हैं, विच इंक्लूडेड रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ये मिनरल्स मेटल्स है जो भी अपन को अवेलेबिलिटी होता है, मिनरल मेटल्स लेके हम लोग इधर क्या करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर उस प्रोडक्शन को हम लोग कैरी आउट करते हैं। अगर लैंड नहीं है तो ये सब मटेरियल्स मिनरल्स रिवर्स माउंटेन्स ये सब अपन को अवेलेबिलिटी नहीं होगा, और लैंड के वजह से ये पॉसिबिलिटी हो सकता है हमको रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी होता है। रॉ मटेरियल के बिना हम लोग कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट करना मुश्किल होता है। तो हम दूसरा बात करते हैं कैपिटल है, जो कैपिटल है मतलब क्या होता है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, पैसा। कोई भी एक इंडस्ट्री चलाना है तो उसको पैसा जरूरत होता है, वो पैसा को शुरुआती दौर पर जो भी पैसा हम लोग डालते हैं वो बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अगर कैपिटल नहीं है तो आपके पास लैंड रहने के बाद भी कोई काम का नहीं है, लेबर रहेगा तो भी कोई काम नहीं, पैसा नहीं है मतलब कुछ भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। लेबर है, लेबर मतलब श्रम, श्रमिक हम लोग बोल सकते हैं, मैन पावर। अगर मैन पावर है तो आपका जो भी चीज़ें है वो सब कामकाज हो सकते हैं, भले आपके पास लैंड है, मशीन है और पैसा भी है और आपको बिजनेस संभालने वाले भी है, अगर लेबर नहीं है तो सब काम आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं वर्कर्स हो गया, इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम करने वर्कर्स हो गया, स्कूल की बात करते हो टीचर्स हो गया, अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो नर्सेस हो गया, पीम्स हो गया, इस तरह के चीज़ों का अपन को ये सर्विस सेक्टर के अंदर भी और कई तरह के चीज़ों में अपन को वर्कर के रूप में काम में आ सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर द वन विच कलेक्टिंग ऑल दीज अदर फैक्टर्स, लैंड कैपिटल और लेबर को ये सबको एक जगह पे एकत्रित करने वाला ही एंटरप्रेन्योर है, ये वही बिजनेस को संभालेगा, और ये बिजनेस संभालने वाला अगर नहीं रहेगा तो भी आपका प्रोडक्शन इधर अपन को सही से देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब ये चारों का चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं है तो हम कोई भी वस्तु को तैयार नहीं कर सकते हैं, और इसके बिना कुछ काम भी नहीं होने वाला है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होगा, ना ही अपन को कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इधर से अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड वांट्स है। अगर मनुष्य की जो भी हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, ऑल आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड है, हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्स है हर रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स है लिमिटेड है, और कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा एम्पल ऑफ रिसोर्सेस है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कोई भी मटेरियल उनके पास है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम देखा जाए तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है रिजल्ट एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम, नेचुरल रिसोर्स है, लैंड है, लेबर है, जो भी है, हर कंट्री कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते ही। तो मेनी क्वेश्चन अराइजेस सच अ वे
when and how much quantity of limited resource can be used. ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितना रिसोर्स कहाँ पे कैसे यूज करना है. तो इसके लिए हम एक देख सकते हैं अनलिमिटेड वांट्स है. मनुष्य की एक इच्छा पूरा करने के लिए उसको जो जरूरतें हैं, बहुत सारा जरूरतें होता है, बहुत सारी इच्छाएं होता है. एक एक वांट अगर फुलफिल करेगा तो उससे और कुछ वांट्स अपन को जन्म देते हैं. और दे विल ऑलवेज बी स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर्स. और फैक्टर्स हम देखा जाए तो बहुत कम फैक्टर्स है. और रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करना है अगेन एंड अगेन, कुछ चीज़ ऐसा होता है, कुछ वांट्स आते हो तो बार बार अपन को आता है. फॉर एग्जाम्पल, सुबह हमने नाश्ता कर लिया, फिर दोपहर को वापस भूख लगता है, वापस खाना पड़ेगा. अगर दोपहर को खा लिया तो रात को वापस भूख लगता है, रात को खाना पड़ेगा. ये मतलब ये वांट जो है बार बार रिपीट होता है. और कुछ वांट जो है इंक्रीज इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमारे देश के अंदर विज्ञान, सांकेतिक विज्ञान जो बढ़ रही है उसको जैसे हमारी इच्छाएँ भी बढ़ रही है, हमारे वांट्स बढ़ रही है. तो ये अनलिमिटेड वांट्स है हमारे पास. तो सेकेंड वन है इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी. इसलिए हमको अनलिमिटेड वांटेज है लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स है बहुत कम है. हमने बात किया था हर कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्स है. तो ये लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हम हमारे वांट्स को कैसे पूरा करना है, कैसे फुलफिल करना है. मतलब फुलफिल कैसा करेंगे, जो जिससे अपन को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलता है, पहले हम लोग वही काम करते हैं. और जो कम इम्पोर्टेंस है या कम संतुष्टि मिलता है वो हम लोग टाल देते हैं, अगले बार करने के लिए कोशिश करते हैं. मतलब हम लिमिटेड रिसोर्स में से एक ऑर्डर सीक्वेंस हम लोग मेंटेन करते हैं. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट का है, मेरे महत्वपूर्ण कौन सा है, उसी को हम लोग मेंटेन करते हैं. बाकी को हम लोग टाल के नेक्स्ट टाइम उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश करते हैं. तो दूसरा बात है लिमिटेड रिसोर्स. हमने ऑलरेडी बात किया कि हमारे देश के अंदर नहीं, पूरा दुनिया में अगर हम देखा जाएगा तो इंक्लूड नेचुरल वेल्थ भी या मैन मेड भी, जो भी है, ऑल दीज थिंग्स आर लिमिटेड. सब कुछ बहुत कम है हमारे पास. इसलिए ये रिसोर्स को हम लोग बहुत यूटिलाइज कैसे करना है, बहुत आज सोच समझ के जितना जरूरत है उतना ही हमको यूज़ करना चाहिए, तो ही हम अपने रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं. और चौथा है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स. अल्टरनेटिव मतलब क्या है, हमारे जो रिसोर्स है ऐसे जरूरी नहीं कि एक रिसोर्स से एक ही वांट फुलफिल होता है. एक रिसोर्स जो है कई तरह का वांटों को फुलफिल करती है. एक वांट को फुलफिल करने के लिए हम अलग अलग तरह का रिसोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब एक रिसोर्स को कई तरह के रूपों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इसलिए हम लोग बोला अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ द रिसोर्स. हर रिसोर्स अलग अलग रूपों में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल, लैंड मेरे पास है, हम वो लैंड को एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, स्कूल एस्टेब्लिशमेंट कर सकता हूँ, इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकता हूँ, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकता हूँ, या मेरा अपना खुद का एक बंगला भी तैयार कर सकता हूँ. मतलब ये एक रिसोर्स है, कई रूपों में अपन को यूज़ होता है. अगर ये चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो हमारा जो रिसोर्स का है कई तरह का रूपों में हम लोग एक रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं.